say this is the bestest experience. Thank you, Simran. Bestest I know, experience. We are very irritating at times. This is how we are. I feel, I personally feel, let's have this at a different level next time. Yes. Something at a bigger level. Yes. If we talk about Lalit, let's see that we have the Lalit banquet full of people out there. Awesome. Please come all together. Yeah. Yar, trans queen, a unique concept on its own. मैं तो ये बोलता हूँ वाई शुड इट बी अ कॉन्सेप्ट. हकीकत ये है कि इस फॉर्मेट का निर्माण जो हुआ है अपने आप में काबिल तारीफ है. बट ये डिस्पेरिटी क्यों, वाई शुड देयर बी दैट इनइक्वालिटी. लेट्स बी ऑनेस्ट, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड लेट्स एक्नॉलेज दैट होल हार्टेडली. देयर शुड बी नो डिस्पेरिटी एट ऑल. देयर शुड बी ऑन दैट फॉर्मेट कि हम सब एक हैं, उन्हें वेलकम करें, उन्हें वो पूरी आज़ादी दें जैसे आज मैं और आप जीते हैं, वो आज़ादी इन्हें भी मिलनी चाहिए. लेट्स डू इट फॉर श्योर. दोस्तों मतलब ट्रस्ट मी, यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस. देवर ए कम्प्लीट पैकेज. आज मैंने यहाँ, आप बोलिए, माधुरी दीक्षित को देख लिया, मैंने कटरीना को देख लिया, मैंने प्रियंका जी को देखा. इट्स अ कंप्लीट पैकेज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इट्स फिनोमिनल. दे हैव दैट बिल्ट इन टैलेंट. कमाल की बात ये थी कि मुझे जब ये बोला गया कि दे वर वॉकिंग द रैंप फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, लगा ही नहीं, ऐसा फील ही नहीं था. वो ऐसे लगा था कि भाई दे हैव बीन प्रोफेशनली डूइंग दैट इन टोटैलिटी. तो लेट्स टेक दिस फेसेस फॉरवर्ड एट अ डिफरेंट लेवल एंड लेट इंडिया बी प्राउड ऑफ देम. देखो दोस्त, एक सिंपल थॉट है, लेट देम फ्लाई, गिव देम विंग्स टू फ्लाई. वो सोच अपने जहन में निकालनी ज़रूरी है कि इनमें कुछ तकलीफ़ है या इनको कुछ डिस्पेरिटी है, इनको कुछ कमी दे रखी समाज में. मैं कोई हर एक किसी, आप हर किसी को एजुकेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी सोच हर आदमी बदल सकता है. तो वो सोच बदलनी ज़रूरी है. उस माँ की क्या गलती जिसने इन्हें जन्म दिया. कोई भी ये सोच के पैदा नहीं होता है. तो ये सोच समाज को बदलनी ज़रूरी है. लेट्स प्लीज़ क्लीन आवर थॉट्स एंड एक्सेप्ट देम टू व्हाट दे आर. यू आर जजिंग अ कंपटीशन. इट्स नॉट अबाउट अ कंपटीशन. अगेन आई एम टेलिंग यू, हर कोई आज जो किरदार था विनर था. मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की आज कि अगर ये जितने कंटेस्टेंट्स थे इन्हें सबको फिनाले में आने दो. Why do that disparity? Let them show what they are to the world. Is closed segment mein unko bandhna kyun zaruri hai? Let them have that proper platform of the finale and take it forward. Har kisi mein ek spark hai. Aaj koi bachcha nahi padhta hai koi, but that's a talent. Let's be honest. Har koi agar padhai likhai karke puri kar leta zindagi, to main एक बड़े फनकार है आज अपने हिंदुस्तान के. वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. तेंदुलकर साहब की बात करें, आज सचिन तेंदुलकर साहब को अगर खाली पढ़ाई लिखाई करनी होती है, अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो उनको कौन जानता आवाम में. तो उनमें एक स्पार्क था, वैसे ही हर किसी में एक स्पार्क है. तो लेट्स दैट स्पार्क कम फॉरवर्ड एंड लेट देम लिव देयर लाइफ. थैंक यू सो मच. शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक फंक्शन में गई थी जो कम्युनिटी के लिए था, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए. एचआईवी एड्स अलायंस जो है और हर साल एक ऑर्गेनाइज करती है फंक्शन जहाँ पे कम्युनिटी इनवाइटेड होती है. और उस कम्युनिटी से एक मेरे फ्रेंड बिलोंग करते हैं, सुशांत देवगीकर, जो मिस्टर गे वर्ल्ड के लिए जा चुके हैं.
तो वो मुझे अपने साथ लेके गए थे एंड आई जस्ट वेंट देयर फॉर सपोर्ट एज अ ऑडियंस. पर मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ करा कि कम्युनिटी जो है वो बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रही है, चेंज फिर भी नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा वो चेंज. देन आई आस्क्ड माय सेल्फ एंड देन आई रियलाइज़ कि पीपल लाइक अस, जब तक जो हम लोग जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक चेंज नहीं आएगा. और वहाँ पे ऐसे ही फैशन शोज और क्या कहते हैं इवेंट पेजेंट्स की बात हो रही थी कि पहले एक बार हुआ था, लक्ष्मी जी ने पहले ये पेजेंट किया था, बट वो कम्युनिटी का पेजेंट कम्युनिटी के लिए था. लेकिन उसके बाद वो वहाँ बोल रही थी कि हमें मौका मिलना चाहिए, हमें इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे. और वही थॉट लेके मैं अपने घर गई और मैं सोचती रही कि मैं क्या कर सकती हूँ. देन ऑल ऑफ सडन आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं इवेंट से रिलेट होना चाहती थी. और मेरा फर्स्ट थॉट था कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं ट्रांस वूमन का पेजेंट करूँगी, वरना मैं कुछ नहीं करूँगी. एंड मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, ही सेड गो अहेड. और मेरी मॉम ने भी मेरे को बोला कि यस, और जबकि वो बहुत कॉन्जर्वेटिव हैं बट उन्होंने बोला गो अहेड. मैंने ये जर्नी नवंबर 2016 में स्टार्ट की थी और पूरे 9 महीने बाद 2017 में अगस्त 27 को हमने ये दिल्ली में कंप्लीट किया, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, विदाउट एनी स्पॉन्सर्स, विदाउट एनी सपोर्ट. द ओनली स्पॉन्सर वॉज माई हस्बैंड, वो कमाते गए और मैं लगाती गई. एक महीने पहले पता चल गया था कि कुछ नहीं होने वाला है, तो बहुत सारे थॉट्स आए कि क्या करूं. एंड इट वाज सो क्रेजीली इन मी, मैं इतने जुनून में थी कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी या तो मैं कर लूँगी या फिर मैं मर जाऊँगी. एंड ही सेड डोंट, ऐसा कुछ नहीं होना, अगर नहीं आए पैसे तो वी विल सेल आर हाउस बट वी विल डू इट. बट जब हमने ये किया तो हमारा जितना भी हमने मेहनत करी थी वो सफल हुई. और इस ट्रांस क्वीन इंडिया पेजेंट के बाद बहुत सारा इंक्लूजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो विद अ थॉट ऑफ इंक्लूजन किया था कि लोग इन लोगों को अपने साथ इंक्लूड करें, क्योंकि कोई खड़ा नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, दे ऑल्सो ह्यूमन बींग. उसके बाद से लोगों को जॉब्स मिलने लगी, दे स्टार्टेड गेटिंग प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. मेरी एक कंटेस्टेंट जो है वो तमिल मूवीज़ के अंदर लीडिंग रोल के लिए आ रही है, उसे 2 मूवीज़ मिली हैं लीडिंग लेडी की, वन तमिल एंड वन तेलुगु मूवी. नव्या इज़ डूइंग अ लॉट एंड यू नो शी इज़ एक्चुअली फेस ऑफ ट्रांस क्वीन इंडिया एंड वाई नॉट इंक्लूजन ऑफ बॉलीवुड. मैंने ये कैंपेन जो स्टार्ट किया है वो इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे बॉलीवुड को जगाना है. मैंने जब मैंने पहला ख़त्म किया तो वी नॉट ओनली क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंडिया, द होल वर्ल्ड टॉक्ड अबाउट इट, बट बॉलीवुड से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है, मैं दिल्ली में भी इस पेजेंट को कंडक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ और यहीं पर मैं अपना फिनाले करूँगी क्योंकि मैं बॉलीवुड को जगाना चाहती हूँ. ट्रांस क्वींस या ट्रांसजेंडर्स या LGBTQ सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए या फिर नेगेटिव रोल में दिखाने के लिए या फिर सिर्फ ताली बजा के दिखाने के लिए नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं. तो बॉलीवुड वेक अप, चाहे वो करण जौहर जी हो, चाहे अनुराग कश्यप हो. मैं सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स से ये बोलना चाहती हूँ कि दे आर ह्यूमन बीइंग एंड दे डिज़र्व अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर देम सेल्फ. सो प्लीज़ जागिए, मैंने प्रॉमिस किया अपने सारे ट्रांस वुमेन बच्चों से कि ये ईयर उनके लिए रेवोल्यूशनरी ईयर रहेगा एंड वी विल ब्रेक द स्टीरियोटाइप ऑफ बॉलीवुड एंड क्रिएट अ हिस्ट्री इन बॉलीवुड दिस टाइम. एंड आई होप वी विल डू इट ऑन आर फिनाले, और ज़रूर कोई ना कोई आएगा और हमारे बच्चों को एक मौका देगा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए. सो आपने देखा भी है कि खास तादाद में कंटेस्टेंट आएंगे जी, तो उसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, उनको लगता है थोड़ी हिचक है अभी भी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जैसे दबाते दबाते हैं वो फॉसिल बन जाता है ना, उसको वापस उस शेप में आने में टाइम लगेगा. क्योंकि अभी तक जो उन्होंने देखा है वो यही देखा है कि सब मजाक उड़ा रहे हैं, सब उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, ये पता नहीं ऑल ऑफ सडन एक पागल औरत कहाँ से आ गई और जो हमारे साथ खड़ी हुई है. दे ऑल्सो डाउट माई क्रेडिबिलिटी सम टाइम, लेकिन आई बिलीव कि मेरा काम मेरी क्रेडिबिलिटी स्पीक करता है. जो जो पहले मेरे बारे में गलत बोलते थे उनका नज़रिया बदला, वो मेरे साथ हैं, मेरे को मालूम है मैं अच्छा काम करूँगी तो सब उसके साथ जुड़ेंगे. अभी ये 6 हैं,
एक दिन 16 भी होंगी और एक दिन 16 भी होंगी. और डेफिनेटली इस बार मेरा जो ड्रीम है टू हैव ट्रांस वुमन फ्रॉम ईच स्टेट, और हम उसके करीब बहुत जा चुके हैं. हमारे पास गोवा से कंटेस्टेंट है, हमारे पास आंध्र प्रदेश से कंटेस्टेंट है, हमारे पास राजस्थान से कंटेस्टेंट है, हमारे पास बेंगलोर से कंटेस्टेंट है, दिल्ली, मुंबई. सो वी हैव कंटेस्टेंट ऑल ओवर अराउंड इंडिया. पर मेरा जो ड्रीम है, मैं चाहती हूँ कि 30 स्टेट से 30 रिप्रेजेंटेटिव हों, ताकि अपनी अपनी स्टेट में वो इस बात को समझा सकें कि सिर्फ सेक्स वर्क और क्या कहते हैं बैगिंग इज़ नॉट द ऑप्शन. नाउ वी हैव एन ऑप्शन टू एक्सप्लोर. हमें नौकरी भी मिल रही है यहीं ललित के अंदर. वी आर प्रमोटिंग दिस जॉब थिंग्स एंड यहाँ पे आप आइए, आपको नौकरी के लिए बात कीजिए. अगर आप क्वालिफाइड हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, और अगर आप थोड़े कम भी क्वालिफाइड हैं तो वी कैन ट्रेन यू हियर. एंड थैंक यू टू मिस्टर केशव सूरी फॉर द सेम यू जो सपोर्ट और वो सब दे रहे हैं. आज मेरे लिए सबसे पहला सपोर्ट उन्हीं की तरफ से है. आज यहाँ वेन्यू पार्टनर भी वही हैं हमारे, और हमेशा वो मुझको पूछते रहते हैं हाउ कैन वी हेल्प यू टू ग्रो. तो आई एम जस्ट हैप्पी फॉर दोज पीपल जो हम एटलीस्ट खड़े हो रहे हैं. आज एक खड़ा है, मुझे पता है कल दो होंगे और फिर पूरा काफिला बनेगा. एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. देखिए, सबसे पहली क्वालिटी तो यह है कि वो पहले अपने घर से उठा और मेरे पास आया. जो आपने देखा कितने कम लोग आए हैं, तो वो हिम्मत किसी हर किसी में नहीं होती. उस हिम्मत के लिए मैं चूज़ करूँगी उनकी वॉक के लिए. और जो अभी ट्रेंड नहीं है, हम उन्हें ट्रेन करेंगे, हम उनकी मेंटोरशिप करेंगे, उन्हें सिखाएंगे. अगर कोई उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता है तो विल ट्रेन देम एंड विल टेक देम फॉरवर्ड. जी, जगाने के लिए यही है कि हम जो ट्रांस क्वीन इंडिया कर रहे हैं, इस बार कमिंग आउट डे पे कर रहे हैं, और हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने घर पे मत बैठिए. आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लीज़ कम आउट विद प्राइड ऑन इंटरनेशनल कमिंग आउट डे. सो प्लीज़ आइए, टेक योर अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट यू नो बी शो द वर्ल्ड दैट यू आर नॉट लेसर देन एनीवन. मैसेज देना चाहूँगी कंटेस्टेंट्स को, यू ऑल आर माई बेबीज. चाहे आप जीतो या हारो, आप फिर भी विनर हो. हारोगे तो उसके बाद आपके अंदर जीत की भूख और बढ़ेगी, जीतोगे तो और ऊपर जाने की कोशिश करो. पर कभी भी ठहरो मत, क्योंकि इट्स अबाउट मूविंग ऑन. थैंक यू. Actually, we had less contestants. There should be more participants, but everybody is amazing, and it feels nice. And most importantly, हमें अगर हम Miss India कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे contestant होने चाहिए. फिर हमारा जो purpose है वो solve हो जाता है. Concept कैसा लगा आपको कि जो transgender से उन्हें मौका दिया जा रहा है, platform दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपना talent दिखाने के लिए? ये पहले ही होना चाहिए था ना. एवरीबडी इज इक्वल, देर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन वुमन एंड अ ट्रांसजेंडर. वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल सिटीजन्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी शुड स्टैंड अप एंड एनकरेज ईच ऑफ दिस पीपल टू कम आउट एंड बी ऑन देयर ओन. इट इज़ क्वाइट सैड टुडे देखने के लिए कि जो डबल ग्रेजुएट भी हैं उनको यहाँ आके प्रोस्टिट्यूशन पे रिसॉर्ट करना पड़ रहा है. तो ये हमारी गलती है और हमारी खामी है, उनकी नहीं. हमें वी शुड अपने हाथ बढ़ाना चाहिए और उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि वो हम में से एक अपने आप को महसूस करे और लाइफ में आगे बढ़े. क्या वजह है कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता? क्या वजह रखती है आपको एज ए ऑडियंस या एज ए व्यूअर, क्या कुछ करना चाहिए? सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वी विल नॉट जस्ट लुक एट ट्रांसजेंडर, वी विल लुक एट एवरी पर्सन इज ऑप्रेस्ड इन सोसाइटी. जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं रहो, जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, और जब तक के आपको ऐसे नहीं लगता कि मैं वर्थ हूँ, तब तक के दुनिया की कोई ताकत आपको हेल्प नहीं कर सकती. जब आप अपने आप खड़े रहोगे और आपको अपने आप पे भरोसा होगा, तभी दुनिया आपकी मदद करेगी. तो पहली प्रॉब्लम यही है कि हर आदमी को लगना चाहिए व्हाट डिफरेंस डज इट मेक विदर आई एम अ मैन और अ वुमन और अ ट्रांसजेंडर. आई एम अ पर्सन एंड आई हैव द राइट टू स्टैंड अप एंड डू एवरीथिंग दैट समबडी एल्स डज. जिस सेकंड हम में वो ताकत है तो दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है. जब हम खुद ही कमज़ोर हैं तो आप दुनिया से क्या मदद एक्सपेक्ट कर सकते हो? मदद तो आप अपनी पहले करो, फिर दुनिया आपके साथ रहेगी. तो क्या कुछ मुझे तो लगता है हर आदमी विनर है.
एनीवन हु कम्स आउट देयर एंड हैज द गट्स टू कम आउट देयर इज अ विनर. अब आगे बढ़ो, जो दुनिया में कर सकते हैं करो, जो जीतेगा वो सिकंदर, पर बाकी कौन से, वो भी तो पोरस ही है. Hi. Even. Okay. Hi, I'm Dr. Ruchika. I'm based in Australia. So if you compare with the international and here, so people in Australia are very open about this thing. So they don't discriminate. In fact, on the job purpose, if you ask me, वो बिल्कुल भी discriminate नहीं करते हैं. But if you come here in India, there's a discrimination for everyone. If you talk about females also, they have a discrimination. So how can you expect them to come out as a female or as a male, as their own identity, to come out and, you know, around the people? They are not comfortable around the people. So we want what Trans Queen India is here for. We want them to be comfortable among us, around the world and international also. So it's not India, we are looking for the international for them to accept. So I'll give you a very small example, like Australia. I'm not talking about only Australia, I'm talking about as an international. So, कुछ भी problem अगर उनको होता है, so there's a generalized law for them. Okay, even if they are not comfortable, they can vote first of all. They can vote, they can get married. They are their true personality there. So it's not like कि आप India में हो, तो आपकी true personality लोगों को पता ही नहीं है. Some people has come to us and they say कि ma'am, मैं जॉब पे मेल की तरह काम करता हूँ. सो इट्स वेरी सैड. एंड आफ्टर इफ आई कम आउट टू मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, आई वोंट बी एक्सेप्टेड एज अ मेल और फीमेल बैक अगेन इन माय कंपनी. सो देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, व्हाई दे कैन नॉट एक्सेप्ट देम एज दे वांट टू बी. इफ दे वांट टू बी एज अ फीमेल, प्लीज एक्सेप्ट देम. एंड इफ दे वांट टू बी एज अ मेल, प्लीज एक्सेप्ट देम. डोंट डिफरेंशिएट एंड डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन दैट पर्पस. डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, सिर्फ उनको एक्सेप्टेंस दीजिए. दे आर पोस्ट ग्रेजुएट पीपल who has actually their life, they have put everything, their money, their soul for getting the jobs here. And if you discriminate on that basis, that is not justified. So please badhiye aage and support them. If you can't support financially, at least morally support kijiye. Apne saath baithne ke liye unko mauka to dijiye. They will show wonders and they will be your true friends. I just want to say this. Aapke best to best friends ho sakte hain wo log. Thank you so much. One, this is Bombay's audition has been one of the best so far. Second, transgenders ko thoda mauka dijiye, you know, accept them. They are like just ek womb se, hamare hi womb se nikle hue hain, to ek hi cheez hai ye. So isko is tarah se discriminate nahi karna chahiye. Like even in other sectors abhi transgender ka like you know sex ka wo ek column bhi aa chuka hai, fir bhi wo jo acceptance hai abhi tak bahar nahi aa raha hai. Apart from this, yes, I would request my trans sisters as well, bahar nikliye, come out of your comfort zones, bahar nikle. This opportunity is just for you guys, you know. Agar aap khud bahar nahi nikloge aur aap bologe ki that the doors are shut, it is not. There are people like us who are ready to accept you. Unless and until you take that one step, we would not do that. So you have to come now. This is an open platform for you all. The auditions are on, like you know, online as well. Visit our website, we have our pages as well. So do connect with us, and you know the job opportunities are there with us. Like you know, we have the first six. The best one would be one of the anchor in my news channel. And you know, apart from this, there are various other modules that we have planned for them. Thank you so much. Thank you. Welcome. All right. सबसे पहले हमें बताइए मिस ट्रांस इंडिया इसके बारे में ज़रा बताइए. फॉर द फर्स्ट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी. मेरा नाम नव्या सिंह है. मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 की ब्रांड एम्बेसडर हूँ. एंड द जर्नी वाज स्टार्टेड ऑन जुलाई व्हेन मुंबई में फर्स्ट ऑडिशन हुआ था. मैं भी कंटेस्टेंट बन के आई थी और काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी नर्वस थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सेलेक्शन होगा या नहीं होगा. लेकिन जब मैं ऑडिशन देने के लिए आई और जब मैं रीना से मिली, यानी रीना आज मैं उनको माँ बोलती हूँ, शी इज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, तो मेरा और उनका इतना अच्छा बॉन्ड बन गया. इट्स नॉट अबाउट द पार्टिसिपेशन, इट्स नॉट अबाउट द पेजेंट. हमारा रिश्ता एक माँ और बेटी का बन गया. आज मेरा और रीना मम्मा का रिश्ता एक माँ और बेटी का है. सो शी लव्स मी सो मच. सो और भी जितने कंटेस्टेंट हैं उनसे भी लव करती हैं, बट मेरा और उनका कनेक्शन थोड़ा अलग है. हम इमोशनली काफ़ी एक दूसरे से अटैच्ड हैं, क्योंकि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का फर्स्ट जब हमने किया था तो आई वाज इन टॉप 5 एंड मम्मा को लगा कि नहीं,
थोड़ा सा इसके साथ ज्यादती हुई है, तो मामा ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन के मिस ट्रांस क्वीन इंडिया को ब्रांडिंग करती हूँ। तो या ओके, सो टुडे वाज ऑडिशन ऑफ मुंबई मिस ट्रांस क्वीन 2018 का मुंबई में ऑडिशन था, जिसमें 6 कंटेस्टेंट आए थे, मुंबई के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। तो वो आए और उन्होंने ऑडिशन दिया। तो दिस इज़ नॉट यू नो एज अ ट्रांसजेंडर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टैलेंट और वो वॉक वो सब नहीं दिखने में आता, हमारे इमेजिनेशन में नहीं आता है। हमारे इमेजिनेशन में बस एक ही चीज़ आता है कि या तो वो सेक्स वर्क कर रहे हैं, या तो फिर वो बैगिंग कर रहे हैं, या तो फिर कुछ भी कर रहे हैं, यू नो एक्स वाई जेड। बट जब आज यहाँ पे इन लोगों ने वॉक किया, इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिए, इन लोगों ने गाना गाया, तो जजेस की आंखें खुली की खुली रह गई एंड एवरीवन वाज लाइक ओ माय गॉड, दे कैन डू दिस थिंग्स, दे हैव अ टैलेंट, दे हैव अ स्किल, दे हैव दैट ग्रेस दैट दे कैन प्रेजेंट आवर इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं होने के कारण, सेंसिटाइजेशन नहीं होने के कारण लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्क्रिमिनेशन के शिकार है एज अ अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में है। मैंने कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप ऑफ माइंड को तोड़ करके कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आई हूँ। तो मैं बस यही है कि ट्रांसजेंडर को अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की ज़रूरत है। तो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ने एक पहल की है अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए। नो क्या फिर से यू नो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आई मीन ट्रांसजेंडर अगर चाहे वो बहुत अच्छी डांसर हो सकती है, ट्रांसजेंडर अगर चाहे तो बहुत अच्छी मॉडल हो सकती है, ट्रांसजेंडर अगर चाहे तो बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो सकती है। अभी आपने देखा ही होगा कि कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो MLA में पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, किनरमा ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है सलमा खान मैम, तो मैं भी किनरमा ट्रस्ट की एक मेम्बर हूँ, तो वो आज लोक अदालत जज की पैनल में जज हैं, तो वो वहाँ पे बैठती हैं। तो दिस इज़ यू नो इट्स स्टार्टेड ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल वेरेवर, आई मीन पूरी इंडस्ट्री में, पूरी वर्ल्ड में ये एक इंक्लूजन स्टार्ट हुआ है। तो या धीरे धीरे ये सब चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ट्रांस क्वीन को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को मौका दिया है कि वो अपने आप को प्रूफ कर सके एज अ मॉडल। उनको ऐसे मौके, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिली है आज तक, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मेन स्ट्रीम उनको आगे आकर दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रांस क्वीन से अगर कोई बड़ी मॉडल आगे जाके बहुत बड़ी मॉडल बनती है, तो एक कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो सेट कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर्स को ज़्यादातर, मैंने अभी जब मैं जज के उस पर बैठी थी, जजिंग कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर नर्वसनेस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नर्वसनेस उनको थोड़ा एक्चुअली लोगों को देखने से उनको थोड़ा प्रेशर हो रहा था, बिकॉज उनके लिए नया था, किसी के लिए नया नहीं था। लेकिन ठीक है, उन्होंने अच्छे से निभाया है। तो मेरा तो विशेष उनके साथ यही है कि उन्होंने अपना अंदर का डर निकालना चाहिए, वो नर्वसनेस निकालना चाहिए, और फोकस करना चाहिए कि मैं खुद ट्रांस क्वीन बन सकूं। So, आप भी एक एग्जांपल हैं, और आज देखा होगा आपने छोटी छोटी तादाद में। एक्चुअली बात ये होती है ना कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेन स्ट्रीम को बहुत कम एक्सेप्ट करती है, बिकॉज उन लोग उनको कम एक्सेप्ट करते हैं। ये जो एक्सेप्टेंस का जो बात है ना, उधर पे सब मामला अटक जाता है। और ट्रांसजेंडर्स में मोबिलाइजेशन ठीक से ना होने की वजह से, और ट्रांसजेंडर्स में एक्सेप्टेंस ठीक से ना होने की वजह से, ये सब इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं एज अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेम्बर और एज अ सोशल एक्टिविटीज़ कोशिश करूँगी कि ट्रांसजेंडर्स के अंदर के वो जो डर है वो निकाल पाऊँ, और उनको ट्रांस क्वीन जैसा प्लेटफॉर्म और बाकी और भी प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध करा पाऊँ कि वो अपना अपना हुनर उसके ज़रिए सामने रख सके। वेलकम। आई फील वेरी गुड एंड माई नेम इज़ मेघना बिनो एंड कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बट यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रांस क्वींस थे,
आई थिंक ये बन सकते हैं और मैं भी माय नेम इज़ प्रिया चौधरी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आगे लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और कुछ नहीं. हाय आई एम सोनाली खान, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली बट माय फिल्म लाइक्स ऑडिशंस लाइक ऑल पीपल मीन्स माय फ्रेंड्स. ओके कम ऑन. बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, मुझे बहुत महसूस हुआ जी हाँ मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में और मैं करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ. थैंक यू. मेरा नाम हर्षा तुरे है. मैं मुंबई से रहने वाली हूँ और आज यहाँ पे मुझे जो आने का मौका मिला उसका शुक्रिया अदा मैं नव्या सिंह का करूँगी, बिकॉज उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर हूँ. और यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो मैं रियल में एक मॉडल हूँ और आगे की ज़िंदगी में मॉडल के जैसे जीना पसंद करूँगी, जैसे कि सुबह उठ के जिम जाना, बॉडी मेंटेन रखना. सो यू नो थैंक यू फॉर नव्या एंड थैंक यू फॉर किट्टू जी. थैंक यू. माय नेम इज़ हर्षनी. यहाँ पे पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं जॉब करती हूँ, ये गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी फॉर फ्यूचर के लिए. बहुत अच्छा लगा. आई हैव टू डू हार्ड वर्क फाइनल के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. ओ ग्रेट. मे बी बॉर्न टैलेंट यू सी. सो एक्चुअली इट्स अ कम्युनिटी इवेंट, तो कुछ अलग सा किया नहीं है, अपने ही घर का इवेंट. तो इट फील ग्रेट कि लाइक पीपल आर कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोजेट एंड दे पार्टिसिपेटिंग फॉर सच अ बिग थिंग. या फॉर सच अ बिग थिंग. तो अभी तो थोड़ा कम नंबर है, बिकॉज वॉट आई पर्सनली बिलीव यू नो अगर कहीं बहुत तेज़ चलना होगा ना, कि गाड़ी को भी बहुत तेज़ चलना होता है तो थोड़ा सा पीछे आके फिर बहुत तेज़ी से भागती है. तो अगर आज 7 नंबर है तो कल 7,000 होंगे. सो दैट विद अ पॉजिटिव होप, लेट्स सी फॉर द ग्रेट फ्यूचर अहेड विद दिस थिंग हैपनिंग. बाकी इतने सारे सपोर्ट है, यू पीपल आर सपोर्टिंग, मीडिया पीपल आर सपोर्टिंग. ऐसे अगर सपोर्ट मिलता रहा सो विल रीच टू द प्लेसेस विच वी आर होपिंग फॉर. सो दैट्स ऑल. माय नेम इज गंगा. थैंक यू सो मच. ओके हाय नमस्कार, आई एम हरसिमरन, आई एम द पीआर एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ किटीसू मुंबई. Today's experience was one of the best experience I had personally, and giving opportunity to trans queens and to the other artists is equally loved ones is amazing. Acha lagta hai jab equal platform milta hai sabko. There is not the third one which we call the third mark, which we know. It should be equal platform for everyone, there should be equal opportunities, and I'm so glad that Lalit Hospitality Group gives equal opportunity to everyone and encourage everyone to part of their own society. Thank you so much. It was lovely having each and everyone here out in the Lalit Mumbai. I look forward to another finale here in Mumbai itself. Thank you so much. Thanks a ton. Namaskar. Thank you.